गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर सब्जेक्ट इन इंग्लिश और हम लोग लिख रहे हैं कैपिटल कर्सिव लेटर्स। ओके, कैपिटल कर्सिव लेटर्स जो है मैं आपको टी तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हम लोगों ने टी तक अल्फाबेट जो थे वो लिख चुके हैं और डेली हम लोग उन्हें रिपीट करते जा रहे हैं। तो आज पहले हम लोग टी तक रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यू से और लास्ट आज जेड पर खत्म कर देंगे, क्योंकि काफी टाइम हो गया बेटा मैं आपको सिंगल सिंगल अल्फाबेट सिखा रही हूँ और आई थिंक अब आप लोगों को आ गया होगा, इसलिए मैं आपको साइड में विदाउट लाइन आपको एक बार रिपीट करवाती हूँ। ठीक है, मैं रिपीट इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे ए बी सी डी किस फाउंडेशन में बने हुए हैं और आपको बिल्कुल अच्छे से पता हो। जैसे अगर किसी की क्लास मिस हो जाती है तो उनको पता होना चाहिए कि मैंने वर्क कहाँ तक करवा दिया है। ओके, तो क्लास को मिस तो नहीं करना है, फिर भी देखिए ए बी सी डी। ओके, नेक्स्ट देखिए ई एफ जी एच, हम लोग लिख चुके हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच I, J, K, थोड़ा आगे लिखते हैं, ये G की वजह से हमें अच्छे से लिखाई में नहीं आता है। K, L, थोड़ा अच्छा लिखें, विदाउट लाइन अच्छा नहीं लिखाई में आता है। L हो गया, M स्टार्ट करना है, वन टाइम टू टाइम मैंने आपको पहले भी समझाया है, एम जो होता है वो टू टाइम मूव करेगा और एन जो होता है वो वन टाइम। ओके, तो एम एन वन टाइम, ठीक है, एम एन ओ सर्कल बनना है और आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है। एम एन ओ हो गया, पी देखिए आपको राउंड अप करना है जैसे आपने बी को लिखा है और ये है पी। ओके, अब क्या लिखेंगे, क्यू जो हमने कल लिखा था, सर्कल अंदर थोड़ा सा आपको टर्न करना है और ये है क्यू। ओके, नेक्स्ट देखिए आर पी फोर पैर जो आपने बनाया, यहाँ से आपको आर बना देना है, पी को ही आर बना देंगे। क्यू आर एस देखिए, एस और टी जो है मैंने आपको बताया था ये एफ की तरफ बाहर नहीं निकलेगा, डायरेक्ट मूव करेगा, तो ये है टी। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, और आज हम लोग लिखने वाले हैं U। तो देखिए बेटा U जो है मैं आपको पहले यहां सिखाती हूँ कैसे लिखना है। फोर लाइन है, हमें सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे U को। यहां से आपने U स्टार्ट किया, टर्न किया, देन मूव, ओके, और आपको यहां से इसे नीचे की तरफ घुमा देना है, ये है यू। ठीक है, समझे आप? फिर से देखिए, यहां से आपने स्टार्ट किया सेकंड लाइन से, टर्न किया और आपने यहां से मूव किया और ये है यू। आए आपको समझ में? तो अब इसे अपने प्लेस पे रखते हैं। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं सेकंड लाइन से और आप नीचे की तरफ आपने मूव किया, बिल्कुल सर्कल टाइप राउंड लेना है और ये है आपका यू। ठीक है, अब लिखते हैं वी कैसे लिखेंगे। देखिए सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये भी वी जो है बेटा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये जितने भी लेटर जो हमारे बचे हुए हैं ना, ये सेकंड लाइन से ही स्टार्ट होंगे। ओके, तो देखिए वी यहां से आप स्टार्ट करोगे, आपने टर्न किया और यहां से आपको वी जो कोन होता है ना वैसे आपको लेके जाना है और यहाँ से इसको मूव कर देना है, तो ये है वी। थोड़ा मतलब ये आपकी जो कर्सिव राइटिंग बुक है उसमें इसी तरीके से लिखा हुआ है, हम इसको प्रॉपर लिखते हैं जैसा हम लोग लिखना चाहें। देखिए फिर से देखिए, जो आपकी कर्सिव बुक है ना बेटा उसमें क्या है, थोड़ा सा ये मूव किया हुआ है ना, हम लोग जैसे लिख रहे हैं वैसा। देखिए यहाँ से आपने टर्न किया, यहाँ से आप कौन कौन बनाना है, यू में हम गोल हुए थे, यहाँ से राउंड लिया था हमने और यहाँ से हम लोग कौन बनाएंगे, यहाँ से आपने कौन बनाया
और यहां से आपको वी को छोड़ देना है। आ गया समझ में? यहां से आपने राउंड लगाया, फिर आप कौन बनाया और यहां से आपने इसे छोड़ दिया, ये है वी। आया समझ में? तो चलिए इसको इसके प्लस पे लिखते हैं। वी सेकेंड लाइन से स्टार्ट हुआ, आपने सर्कल घुमाया, यहां से कौन टाइप लेके गए इससे आप, और कौन से आपको वी को बना देना है। आगे आपको समझ में? फिर से देखिए, यहां से आपने टर्न किया, फिर आपने मूव किया, यहां से आपको ऊपर जाना है और यहां से आपको घूमना है। तो ये है वी, ये बाहर दिखाई दे रहा है बट ये बाहर नहीं है, लाइन में ही है। ठीक है, यू और वी हो गया। अब लिखेंगे हम डब्ल्यू। तो मैंने आपको बोला है कि लास्ट के जो है ना जितने भी अल्फाबेट, हम सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सेकंड लाइन, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, यहां से आपने डब्ल्यू को लेके गए वन टाइम, टू टाइम और यहां से बाहर, ये है डब्ल्यू। ठीक है, कैसे बनाना है देखिए, इसको प्लेस पे भी रख देते हैं और बनाते हैं दोबारा। वही सेकंड लाइन, फर्स्ट सेकंड लाइन से स्टार्ट किया आपने, यहां से आपने टर्न किया, वन टाइम राउंड लगाया, सेकंड टाइम राउंड लगाया और यहां से इसे छोड़ दिया, ये है W। ठीक है, W के बाद क्या लिखेंगे बेटा? X। कैसे लिखना है देखिए, वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, फोर लाइन। ठीक है, कैसे? X वही सेकंड लाइन से, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन, यहां से आपने स्टार्ट किया, यहां से आपने टर्न किया, सी फोर कैट टाइप, उल्टा सी बनाएंगे, फिर से आपने एक और सी बनाया और ये है X। आया आपको समझ में? फिर से देखिए, यहां से आपने स्टार्ट किया, उल्टा सी बनाया, फिर आप इसी पे वापस चले गए और यहाँ से राउंड लगाकर आपने सी को लिख दिया। मैंने आपको पहले जब स्टार्टिंग की थी ना, तब भी बताया था कि जब भी आप कर्सिव लिखते हो तो आपकी पेंसिल मूव तो करेगी लेकिन उसकी जगह से वो उठेगी नहीं, जब तक प्रॉपर नहीं बन जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्स बिल्कुल आपको यहाँ फर्स्ट सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है। आपने यहाँ से मूव किया, देखिए मैं नहीं हटा रही हूँ, यहाँ से मूव किया, इसी पे मैं वापस गई हूँ और यहां से मैंने सी को टच करते हुए बना दिया, ये है एक्स। आगे आपको समझ में? अब देखिए हम लोग बनाते हैं वाई। अब ये जो है ना यू वी डब्ल्यू एक्स, इसको आप क्या करोगे, आपकी जो कॉपी की लाइन है उसमें वन बार, टू बार और थ्री बार आप इसे रिपीट करोगे। उसके बाद आपको यहां से थ्री बार लिखना है बेटा, आपको थ्री टाइम्स को रिपीट करेंगे, उसके बाद आपको वाई और जेड लिखना है। तो देखिए वैसे ही हम लोग कौन सी लाइन से स्टार्ट पहले सीख लेते हैं कैसे बनाना है, वाई कैसे बनेगा। देखिए सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, फिर आपने जो यू फॉर अम्ब्रेला बनाया था ना वैसे आप इसको लेके जाओगे, पूरा ऊपर गए और यहाँ से आपने टर्न कर दिया, ये है वाई। ये फोर लाइन तक बनेगा बेटा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यू फॉर अम्ब्रेला का राउंड अप किया, इसको राउंड लगाते ऊपर ले गए और फोर नंबर की लाइन जो है उसमें आपने इसको टर्न कर दिया, तो ये बना आपका वाई। अब क्या लिखना है हमें, जेड। कैसे लिखोगे देखिए, यहीं पे देखते हैं जेड कैसे लिखना है। देखिए वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, फोर लाइन, कैसे बनाओगे, कर लिया है। अब हम लोग लिख रहे हैं जेड। तो देखिए बेटा जेड को जब कैसे बनाओगे, जेड जो है मैंने आपको अभी बताया है कि सेकंड लाइन से आपको स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन से आप स्टार्ट करोगे, आपको यहाँ से थ्री लाइन तक मूव करना है, देन लास्ट वाली लाइन में आपको इसको मूव करके और यहाँ से आपको टर्न करना है, तो ये क्या है, जेड है। तो देखिए फिर से एक बार और देखते हैं, आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड लाइन से आप स्टार्ट करोगे, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, वन टाइम आपको टर्न करना है, यहाँ से आपको टर्न किया और सेकेंड टाइम आपने टर्न किया और यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। ठीक है, ये क्या है, मैंने जो है मेरी जो लाइन जो है ना बेटा वो थोड़ा हेल्दी बनी हुई है इसलिए आपको ये जेड इस तरीके से नजर आ रहा है। ऐसे प्रॉपर कैसे बनाना है देखिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन, फिर से देखें, आपको सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है, आपको टर्न करना है, फिर आपको टर्न करना है और आपको यहाँ से इसे मूव कर देना है, तो ये है जेड। ठीक है, तो मैंने आज आपको जेड तक जो इसको आपको रिपीट करना है कितनी लाइन में, टू लाइन में। ठीक है, तो आज मैंने आपको ए टू और जेड तक कर्सिव लेटर्स जो हैं वो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ये जो वर्क है बेटा आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है, ओके, और ये आपको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।